मेरा मानना है किसी भी पैगंबर के लिए, किसी भी पूर्वज के लिए, चाहे वो राम जी हों, चाहे गुरु नानक साहब हों, चाहे ईसा मसीह साहब हों या मोहम्मद साहब हों, किसी आदमी को, किसी मज़हब के आदमी को, किसी भी धर्म वाले को कोई हक नहीं है कि किसी पर भी कोई अशोभनीय टिप्पणी करे। तो इससे अच्छा है कि ब्रिटेन सरकार जो है वो माननीय योगी जी को अपनी सरकार सौंप दे। हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वहाँ के अपनी सरकार चलाने में सक्षम है, क्या बात है। उन्हें कोई डर है तो बताएं, हमें कोई डर नहीं है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, आज सब रोक रहते हैं। वो तो ना हिंदू है ना वो मुसलमान है, वो तो समझ लो इस दुनिया को, हर समाज को परेशान करने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। देखिएगा, जो इंग्लैंड की बात तो इंग्लैंड वाला जाने, मैं हिंदुस्तान का एक आम शहरी, एक आम मुस्लिम हूँ, और मुस्लिम और मेरा कुरान पाक ये कहता है कि सबसे बड़ी जो चीज़ है दया, सहिष्णुता, वो इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस्लाम ये कहता है किसी पे जुल्म नहीं करना, और अगर जुल्म कोई किसी पे कर रहा है तो पहले अपनी ज़बान से, फिर उससे बात करके, और फिर उसे ताकत से उसे रोका जाए। तो जुल्म है अगर कोई इस तरह का, और इस्लाम में कट्टरवाद की कोई जगह नहीं है। तो जहाँ तक मैं मुस्लिम होने के नाते, एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, मेरा मानना है कि जो भी ये कर रहा है, चाहे वो कोई कौम से बिलोंग करता है, वो गलत है, सरासर गलत है। चाहे वो हिंदुस्तान में हो रहा है या इंग्लैंड में हो रहा है, अगर हिंदुस्तान में भी किसी हिंदू भाई पे जुल्म हो रहा है तो गलत है, और अगर किसी मुस्लिम भाई को पीट पीट के लोग मार रहे हैं और ज़बरदस्ती उससे कुछ कहलवाना चाह रहे हैं, वो भी गलत है। तो सहिष्णुता और असहिष्णुता वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। मान जो इंसानियत है उससे बड़ा कोई मज़हब नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम बाद में हैं, पहले हम इंसान हैं। हमें किसी भी धार्मिक उन्माद में बह के, किसी भी छलावे में, धर्म के छलावे में आके अपने किसी इंसान पर अत्याचार, या जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर मैं नमाज़ पढ़ना चाह रहा हूँ, मुझे कोई नमाज़ पढ़ने से रोक रहा है तो वो गलत है। अगर कोई मेरे हिंदू भाई पूजा करना चाह रहा है और उसे कोई रोक रहा है तो वो सरासर गलत है। कोई जगह नहीं है, मैं नहीं मानता जी। चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो जो अहिंसा परमो धर्म पर कॉन्सेप्ट पर खड़ा है, या मुस्लिम धर्म हो, कोई धर्म हिंसा की इजाज़त नहीं देता। सारे ही धर्मों का सार इंसान को इंसान से मिलाना है, प्यार मोहब्बत का पैगाम फैलाना है। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर जब एक औरत जो गैर धर्म की थी कूड़ा फेंकती रही, और जब उन पर 3 दिन तक कूड़ा नहीं फेंका तो वो उनके घर गए पूछने के लिए कि भाई मेरे ऊपर कूड़ा क्यों नहीं फेंक रहा है। वो यहूदी महिला थी, और मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने उसका हाल पुरसा किया, उस बीमार का पुरुष उसकी देखभाल की। वो इतनी मुतासिर हुई मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि गिड़गिड़ाई उनसे अपनी माफ़ी मांगी। तो ये हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का किरदार है। तो जो कोई भी मुसलमान है अगर वो अपने मोहम्मद साहब को मानता है तो वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। देखिए, वो तो वो बर्मिंघम वाले जाने या वो पाकिस्तानी वाले जाने, वो तो आपने मेरा राय पूछी है, मेरे राय में जो भी ऐसा कर रहा है वो इंसानियत के खिलाफ कर रहा है। उनका कहना है कि जो भारत में हाल ही में नुपुर शर्मा द्वारा बयान दिया गया था उसका विरोध वो वहाँ पर जाहिर कर रहे हैं, कह रहे भारत में तो नहीं चल पाई तो उसका बदलाव ब्रिटेन में लिया जाएगा। देखिए, अगर नुपुर शर्मा जी के बारे में पहले ही यहाँ की गवर्नमेंट एक्शन सख्त ले लेती तो ये मेरा मानना है, ये सब को नहीं मानना होगा, तो ये सब चीज़ नहीं होती। और भाई यहाँ हमारे हिंदुस्तान का मैटर है, आप क्यों बोल रहे हैं। तीसरी बात, वो एक मुस्लिम मजहब के हिसाब से बोल रहे हैं, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के लेकर कोई का। मेरा मानना है किसी भी पैगंबर के लिए, किसी भी पूर्वज के लिए, चाहे वो राम जी हों, चाहे गुरु नानक साहब हों, चाहे ईसा मसीह साहब हों या मोहम्मद साहब हों, किसी आदमी को, किसी मज़हब के आदमी को, किसी भी धर्म वाले को कोई हक नहीं है कि किसी पर भी कोई अशोभनीय टिप्पणी करे। अशोभनीय टिप्पणी करे और भी लोगों उनसे बातचीत करते हैं, आप कैसे देख रहे हैं, क्या जिस प्रकार से 200 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है दुर्गा मंदिर पर जाकर के वहाँ पर हिंदुओं का निशाना बनाया जाता है, क्या लग रहा है इस्लाम में इसकी कोई जगह है। कोई जगह नहीं है इस्लाम में, इसकी कोई जगह नहीं है, और मैं इसकी बहुत पुरजोर इसकी मजम्मत करता हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ, बिल्कुल कोई जगह नहीं है। उन लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि जो लोग वहाँ रिलीजन रहते हैं और वो लोग भी वहाँ बाहर से रहते हैं, वो वहाँ भाईचारा बनाए रखें, मैं अपील करता हूँ, और देश की भावनाओं को वो अपने समझें और वहाँ भाईचारा कायम रखें,
और हमारे इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है इसी तरह की। और रही बात इंडिया की कि हम इंडिया का बदला वहाँ लेंगे, तो उन्हें कोई हक नहीं बनता कि हमारे घर में झांकने का वो हक रखें। हाँ, हम वहाँ पर सब भाई बहन की तरह एक परिवार है ये, तो थोड़ा सा कोई बात हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ से उसमें घुस के और एक तरह की लड़ाई शुरू कर दें। सब है इसमें, सबको रहने का अधिकार दिया गया है, सबको अपना अपना धर्म मानना चाहिए, सब मानते भी हैं। कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि भाई लड़ाई की या बिड़ाने की कोशिश करते हैं, मैं उसके बहुत खिलाफ़ हूँ। मैं ब्रिटेन सरकार से इसकी मांग करूँगा कि वो इसके खिलाफ़ सख्त एक्शन लें और जो लोग इसके पीछे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। ब्रिटेन सरकार ने तो घुटने टेक दिए और वहाँ पर उस आयोजन पर रोक लगा दी, तो इससे अच्छा है कि ब्रिटेन सरकार जो है वो माननीय योगी जी को अपनी सरकार सौंप दे। लग रहा है कि योगी ब्रिटेन की सरकार से बेहतर चला सकते हैं, अच्छे चला रहे हैं। आज किसी को कोई दुख तो नहीं है, ना वो किसी के अच्छा कह रहे हैं तो किसी को बुरा भी नहीं कह रहे हैं। अगर उन पर नहीं चल लेंगे तो हमें बताएं, हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वहाँ के अपनी सरकार चलाने में सक्षम है, क्या बात है। उन्हें कोई डर है तो बताएं, हमें कोई डर नहीं है, हिंदुस्तान में रहते हैं, आज सब लोग रहते हैं अच्छे खासे, हम अपना मजहब फॉलो करते हैं, वो लोग अपना मजहब फॉलो करते हैं। एक चीज़ और है जी, जैसे कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ही एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें सभी धर्म के जानने मतलब रहते हैं, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, और सब भी बड़े प्यार से और भाईचारे के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। और दूसरे मुल्कों को भी हम हिंदुस्तानियों से सीख लेनी चाहिए कि कैसे अपना जीवन को आगे बढ़ाना है शांति के साथ। नहीं, बिल्कुल गलत है। किसी भी समुदाय के धार्मिक स्थल हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, कुछ भी हो, सबकी हिफाजत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, चूँकि ये अल्लाह के घर हैं, भगवान घर हैं। और जो इस तरह की हरकत कर रहा, हम तो उसे सही बात तो यह है कि इंसान भी नहीं मानते। बात यह है कि अमन चैन रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत रहना चाहिए, और हम चाहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, बस से ही हमारी सोच है। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, हमें लगता है कि वो इस तरह का बदला ले रहे होंगे। ये उन्होंने हो सके प्रोपेगेंडा किया हो सिंपैथी हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों की, लेकिन भारत का मुसलमान नहीं चाहता कहीं झगड़े हों, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, सब जगह सुरक्षित हो, मस्जिद भी हो, हिफाजत से रहे, मंदिर की भी सुरक्षा हो, बस सब अपने काम वाम में लगे, प्यार मोहब्बत से रहे, यही हम चाहते हैं। और आम मुसलमान भी यही चाहता है। देखो कौन होंगे हमारे से आदमी नहीं, हमारे हमारा तो ये सब मिलके जुलने चाहना है, मिलजुल के रहना चाहते हैं सब। हाँ, और भी जी सर, क्या कहा आप? आम मुसलमान झगड़ा नहीं चाहता बिल्कुल, शायद लोग होंगे जो इस तरह की चीज़ों पर खुश हैं, लेकिन हम उसको डिनाई करते हैं, उसकी हम उसकी आलोचना भी करते हैं, निंदा करते हैं। हम ये चाहते हैं सभी लोग मोहब्बत से मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहे, जैसे सदियों से चले आ रहे रहते हुए आगे भी ऐसे ही रहें, तभी हमारा देश भी तरक्की करेगा, आपस में प्यार होगा तो मोहब्बत भी बढ़ेगी और देश भी और उन्नति की तरफ चलेगा। अब ये तो देखो सब राजनीति प्रोपेगेंडा है, तो हम इसको मतलब इस चीज़ को तो हम बुरा समझते हैं। हम नहीं चाहते हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, इंग्लैंड कोई भी देश हो, हिंदू मंदिर हो या मुसलमान मस्जिद हो, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो, किसी के ऊपर कोई हमला करना गलत बात है बिल्कुल। हम तो बस ये चाहते हैं हमला करने के बाद वो वहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, भारतीय हिंदू बाहर निकलो इस तरह के नारे लगाते हैं। अब ये तो समझ नहीं पड़ता कौन लोग हैं, क्या सिस्टम है, हम तो इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते क्या, क्योंकि ज़्यादातर अब जो इलेक्शन होता है वो इसी चीज़ के ऊपर रह गया है, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर गिरजाघर सब इसी पर डिपेंड करता है, इलेक्शन जो रह गया ना इसी पर। हम तो सब शांति और रोज़गार चाहते हैं बस। देश के अंदर वैसे बहुत मंदी है, अब इस चीज़ में उलझा के दिमाग हमारा इधर से उधर टरका दिया कि जी अब तुम्हारा कारोबार ख़त्म हो चुका है, अब इनको सबको हिंदू मुस्लिम में डाल दो, मंदिर मस्जिद में डाल दो, बस यही रह गया ये है। वो तो ना हिंदू है ना वो मुसलमान है, वो तो समझ लो इस दुनिया को हर समाज को परेशान करने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। उन्हें हिंदू से कोई मतलब नहीं है, ना मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, ना वो मस्जिद से कोई मतलब है, ना मंदिर से। ये लोग इस तरह के लोग, इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इन्हें पकड़ना चाहिए और इनसे पूछिए इनके पीछे किसका हाथ है। कह रहे भारत का जो हिंदू मुस्लिम का झगड़े होते हैं वहाँ का मुसलमान कमज़ोर पड़ जाता है, उसका बदला ब्रिटेन में लेंगे, हम अपनी ताकत दिखाएंगे कि यहाँ का मुसलमान ताकतवर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हिंदू और मुसलमान सब मिलजुल के रहें, यहाँ हम दुकानदार हैं, यहाँ हिंदू भी कस्टमर आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, और हम भी हिंदुओं से सब सामान लेते हैं बाज़ार से जाके, तो हमारे ऐसे मन में कोई भेदभाव नहीं है बिल्कुल भी, ना यहाँ के हिंदू में हमने कभी भेदभाव देखा। वो जो लोग कर रहे हैं वो इस चीज़ को तो कंडम करते हैं, हम इस चीज़ को